नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत का घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और इस वक्त रात के तकरीबन 9 बजे हैं और पता नहीं अगले पल क्या हो जाए। बिहार की सियासत में कौन सी बड़ी राजनीतिक घटना घट जाए, बिहार में कब सत्ता का समीकरण बदल जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि तेजी से बिहार की राजनीति का घटनाक्रम बदल रहा है। और इन बदलते घटनाक्रमों के बीच अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ताबड़तोड़ कई ट्वीट किए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ढेर सारी बातें उन्होंने की है। और ताबड़तोड़ ट्वीट में एक ट्वीट यह भी है कि मैं सकारात्मक राजनीति करता हूं, किसी का कोई मॉडल नहीं हूं, दूसरे का घर तोड़ने वाले के घर में ही आज फूट हो गई है, बेहतर होगा कि वे कारणों को बाहर चौराहे पर ना तलाशें। सिर्फ ये ट्वीट नहीं है चिराग पासवान का, बल्कि और भी कई ट्वीट हैं। उन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार जी 2020 में भी कन्फ्यूजन में थे और आज भी कन्फ्यूज्ड हैं। उन्हें चिराग पासवान ने नहीं, बिहार की 13 करोड़ जनता ने हराया था। मैं तो जन भावनाओं का प्रतिनिधि तब भी था और आज भी हूँ। चिराग पासवान आगे लिखते हैं एक दूसरे ट्वीट में कि 2024 में हार का डर ऐसा घुस गया कि मामा कंस की तरह माँ देवकी के हर पुत्र को मार देना चाहते हैं। पहले मुझ पर हमला और अब आरसीपी सिंह पर। नहीं जानते कि सियासी वध के लिए कृष्ण ने अवतार ले लिया है। इस बार पाला बदलना भी काम नहीं आएगा। मतलब चिराग पासवान ने भी ये कन्फर्म कर दिया है, चिराग पासवान को भी ये आभास हो गया है कि नीतीश कुमार अब पाला बदलने जा रहे हैं, जो कि तकरीबन तय नजर आ रहा है। जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात की चर्चा और कई बड़ी खबरें इसको लेकर, मसलन जेडीयू के विधायकों को पटना बुलाया जाना। एक और ट्वीट है चिराग पासवान का, उन्होंने लिखा कि आज नीतीश कुमार यही कह रहे हैं कि मेरे नाक के नीचे भ्रष्टाचार करते रहे आरसीपी सिंह और फिर भी आप सुशासन बाबू कहलाते हैं। बिहार की जनता के साथ ये सरासर धोखा है और इसका जवाब बिहार की जनता ही देगी। चिराग पासवान एक और ट्वीट करते हैं, अंदाजा लगा लीजिए किस तरह से एक्टिव मोड में, अलर्ट मोड में और लंबे वक्त बाद, या जो मुझे याद है पहली बार चिराग पासवान ने इस तरह का ताबड़तोड़ ट्वीट नीतीश कुमार को लेकर किया हो, इतनी बड़ी संख्या में ट्वीट किए हों एक के बाद एक। एक ट्वीट में चिराग पासवान लिखते हैं कि वे तीन योद्धा जो बैठे थे, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आसानी से पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार को दरअसल डरना किससे चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर भी निशाना चिराग पासवान का। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज ललन सिंह ने, आरसीपी सिंह के हमलों का जवाब दिया और इसमें उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह, जाहिर तौर पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद थे। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि जो तीन योद्धा थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इन्हीं से नीतीश कुमार को डरना चाहिए। तो ताबड़तोड़ कई ट्वीट और इस बार जाहिर तौर पर चिराग पासवान गदगद हैं क्योंकि उनकी भविष्यवाणी अब सही साबित होने की दिशा में, उनकी भविष्यवाणी की तरफ बिहार की सियासत आगे बढ़ रही है और पता नहीं रात में ही कोई खेला हो जाए, कुछ घंटों में हो जाए, कुछ सप्ताह में हो जाए। सप्ताह की मियाद अधिकतम मियाद है खेल की, ये मैं बार बार कह रहा हूँ जब इस तरह की खबरें मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।